मैं आपकी खिदमत में मजीद अर्ज करता हूँ, डॉक्टर साहब की जो चौथी बात थी कि तकलीद से उम्मत को नुकसान पहुंचा है, डॉक्टर साहब अमूमन और गैर मुकल्लदीन हजरात भी बुखारी बुखारी का नारा लगाते हैं। आप हजरात ने पढ़ा है कि सही बुखारी के जो मुअल्लिफ हैं इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी मुतवफ़ा 256 हिजरी, आप कौन हैं? आप शाफी अल मुकल्लिद हैं, आप इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मुकल्लिद हैं। जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह शाफी अल मसलक हैं, अगर तकलीद से उम्मत को नुकसान पहुंचा है तो इसका मतलब है कि सही बुखारी से सबसे बड़ा नुकसान पहुंचेगा, सही मुस्लिम से सबसे बड़ा नुकसान पहुंचेगा। जो हजरात मुहद्दिसीन इस उम्मत में गुजरे हैं और हजरात मुकल्लिदीन हैं उनसे उम्मत को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। फिर हम डॉक्टर साहब की खिदमत में अर्ज रसा हैं, आज के बाद आप कुरान करीम की किसी तफसीर का हवाला दें, क्यों? इसलिए कि उसके मुफस्सरीन मुकल्लिद हैं। आज के बाद आप किसी हदीस की किताब का हवाला ना दें, क्यों? इसलिए कि उसके जामीन कौन है? मुकल्लिद हैं। जब तकलीद से उम्मत को नुकसान पहुंचा है, आप किस मुंह से उनके हवाला जात को दुनिया के सामने पेश करते हैं? चार बातें होगी। नंबर पांच, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात में एक और बात भी की है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखें, ये बातें मैं इसलिए आप खिदमत में तफसील से अर्ज कर रहा हूं कि ये बातें आप हजरात ने सुननी भी हैं या शायद सुन चुके हों। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखें, चारों अइमा ने कहा है कि अगर हमारा कोई भी फतवा आपको कुरान और हदीस से टकराता हुआ मिले, मेरे फतवे को छोड़ दो और कुरान और हदीस पर अमल कर दो। लिहाजा मैंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक मसला देखा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा नमाज पढ़ रहा हो, सूरतुल फातिहा पढ़े, गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन कहे तो आमीन आहिस्ता कहे। यह है इमाम अबू हनीफा का फतवा। लेकिन मैं जब देखता हूं सही बुखारी में कई हदीसें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व्हेन यू फिनिश योर फातिहा यू से आमीन लाउडली, सो आई से आमीन लाउडली। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब कोई बंदा नमाज पढ़ते हुए गैर मग़दूब अलैहिम पर पहुंचे आमीन जोर सा कहे, लिहाजा मैं आमीन जोर सा कहता हूं। अब अगली बात आप समझे, जाकिर नाइक कहता है कि कुरान हदीस मुबारक ये कहती है आमीन जोर सा कहो, इमाम हनीफा ये कहते हैं आमीन आहिस्ता कहो। इमाम सब खुद फरमाते हैं अगर कोई फतवा मेरा तुम्हें कुरान और हदीस से टकराता हुआ दिखाई दे, मेरे फतवे को छोड़ देना, हदीस पर अमल कर लेना। लिहाजा मैं इमाम साहब के फतवे को छोड़ता हूं, हदीस पर अमल करता हूं। सो आई से आई एम 100% हनफी, मैं 100% हनफी। क्यों? मैं इमाम साहब की और बातों को भी मानता हूं, इस बात को भी मानता हूं, बाकी लोग मेरे हिसाब से 80% हनफी हैं। क्यों? इसलिए कि इमाम साहब की ज्यादा बातों को मानते, इस बात को नहीं मानते, लिहाजा मैं 100% हनफी हूं। आओ, थोड़ी देर पहले आपने यह फरमाया था कि तकलीद से उम्मत को नुकसान पहुंचा, मुकलद नहीं होना चाहिए। अब आप कितने परसेंट हनफी हैं? 100% हनफी हैं। आपकी तो एक ही निशस्त की बात में खुला तजाद है।